बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जो हम लिख रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। कंप्लेंट आने के बाद कि किस किस स्टेज से गुजरती है, तो बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। वो किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पे फिर वो फॉल कर जाएगा सेक्शन 20 के अंदर। नए आने वालों के लिए इस फील्ड में प्रैक्टिस करने का क्या स्कोप है? क्योंकि यंगस्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे एक मैसिव लेवल की जो जब तक कंपेन नहीं की जाएगी तब तक जो इसका जो एक एंड रिजल्ट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद वाइज़ा रफीक के पहले एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। ये जो हमारी प्रोग्राम की सीरीज़ है ये पर्टिकुलरली इस मकसद के लिए स्टार्ट की जा रही है कि हम इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हैं, वो हमें क्या क्या राइट्स देते हैं और उन राइट्स के साथ हमारी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करें। और ये सिर्फ हम खुद बात ना करें बल्कि हमारे साथ हमारे दरमियान उस पर्टिकुलर लॉ के उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हों। आज इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में जिनको दावत दी है वो FIA में और साइबर लॉज में बहुत उम्दगी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ही इज़ अ वेल नोन फिगर साइबर लॉ की और साइबर क्राइम्स की। जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे ज़ैन कुरैशी का नाम ना आए तो आई थिंक ये तो बड़ी एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो हमारे दरमियान आज ज़ैन कुरैशी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो साइबर के कवानीन हैं, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हैं उन पे इनके क्या ख्यालात हैं, किस तरह से साइबर का कानून काम करता है और कैसे इस वक्त पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं और उनकी रोकथाम का क्या तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, थैंक यू वेरी मच कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। साइबर लॉ या FIA की जो लेजिस्लेशंस हैं सारी, ये तो लॉ स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाती, तो फिर आपको कैसे ख्याल आया कि आप शुरू से ही साइबर के अंदर एक्सपर्टीज़ बनाएं और साइबर लॉज के ऊपर काम करें? थैंक यू सो मच वाइज़ा। एक तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो आपने बात जहाँ से शुरू की कि ये कैसा सब्जेक्ट है जो कि हमें लॉ स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता। अब आपको पता है कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा आज से पीछे 5-6 साल अगर हम पहले पीछे जाएँ तो हम दो चीज़ों को देखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक ये थी कि पाकिस्तान के अंदर एक सोशल मीडिया का बूम आया। सोशल मीडिया जो था वो 2009 के बाद जो था आपको पता है कि हर बच्चा हर स्टूडेंट जो था वो इस्तेमाल कर रहा था। अब ऑब्वियसली जब भी कोई टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट होती है तो कुछ अरसे बाद जाके उसके रेपरकशंस भी आते हैं। ऑफ कोर्स अब ऑब्वियसली 2009 और 10 के अंदर जब ये सारे मामला जो थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फेसबुक जो थी लोग बड़ी तादाद के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, ट्विटर का इस्तेमाल आया, बिल्कुल किसी शख्स ने भी नहीं सोचा था कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो जब ऑब्वियसली हमने भी प्रैक्टिस जो थी वो अपनी स्टार्ट की तो जो हमारा जो एरिया ऑफ फोकस था वो सिविल था, वो बैंकिंग था। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कोई लॉ पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस होगा जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट करेगा। तो 2016 के अंदर एक लॉ पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के नाम से। तो उस लॉ के तहत जो बुनियादी तौर पर जो उसके जो बेसिक जो मैं समझता हूँ कि उसके इंग्रीडियंट्स थे वो ये थे कि कहीं ना कहीं पर ये जो थी कोशिश की गई थी कि हम सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकें। ठीक है। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मेरी फील्ड के अंदर मेरा कैसे एक जो थी वो इंटरेस्ट पैदा हुई, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली क्योंकि जब हम इस फील्ड के अंदर आए तो ये एक ऐसी फील्ड थी जो कि एक नई फील्ड थी। तो उसमें कुछ केसेस जब आते हैं, आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में दो तरह का जो है ज़्यादा ऑफेंस हो रहा है साइबर का, एक तो सोशल मीडिया क्राइम्स हैं, दूसरा फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। ओके। और आप मैंने ये देखा कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन लोगों के साथ इन दोनों में से कोई एक क्राइम ना हुआ हो। अच्छा। बहुत कम लोग ऐसे थे। और तो ये रिपोर्ट भी होते हैं उतने फ्रीक्वेंसी के साथ? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को दबा देते हैं, वो रिपोर्ट करने की जो है वो कोशिश नहीं करते। बट हुआ ये 2016 के अंदर जब ये लॉ आया उसके बाद थोड़ी सी अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आई, तो 2017 और 18 में हमने देखा कि लोगों के अंदर उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट एट दैट टाइम पीपल वर इंटरेस्टेड इन टू फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स और लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे कि एटलीस्ट पता चले कि जो भी शख्स ये क्राइम कर रहा है वो कौन है। क्योंकि इसमें जो क्राइम करने वाला होता है दूसरे ऑफेंसेस से ये कैसे मुख्तलिफ है, देखिए दूसरे ऑफेंसेस के अंदर जो क्राइम करने वाला होता है कहीं ना कहीं पर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं पर वो खुद भी आगे
जो होता है उसकी ऑलरेडी किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही होती है, कोई लिटिगेशन चल रही होती है और उसको खतरा होता है किसी स्पेसिफिक शख्स से कि ये शख्स उसके साथ क्राइम कर सकता है। इन केसेस के अंदर देखा ये गया कि जो क्राइम करने वाला शख्स है वो अनोनमस रहता है। अगर वो किसी की फर्ज करें तस्वीरें अपलोड कर रहा है तो वो उसकी कोशिश ये होगी मैं किसी फेक अकाउंट से करूं। अगर वो किसी शख्स को ब्लैकमेल कर रहा है तो उसकी कोशिश होगी वो कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल करे जहां से वो कभी पकड़ा ना जा सके। तो जब ये केसेस स्टार्ट हुए तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि एट दैट टाइम जो हमने देखा जो लोग हमारे पास उस टाइम केसेस लेकर आना शुरू हुए, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि ये एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड के ऊपर इस टाइम कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जबकि आने वाले दिनों के अंदर ये इस फील्ड के ऊपर अगर काम ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक तो अनएड्रेस रह जाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी एट लार्ज जो है वो कहीं ना कहीं पे उनको पता नहीं होगा कि उन्होंने रेमेडी अवेल क्या करनी है। और पूरा एक फील्ड है, पूरा एक ट्रैक है कि जिसके ऊपर आपने ये सोचा कि इसमें कोई ना कोई काम किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं बट वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जो हम लिख रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। तो इसके ऊपर मैं समझता था कि यहाँ पे जब मैंने इस फील्ड के अंदर मैंने जब काम शुरू किया तो एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड थी। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग फील्ड इसलिए थी कि आपको जो केसेस आते थे वो डिफरेंट नवीयत के होते थे। सेकंडली जो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये देखा कि आप कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। आप ह्यूमैनिटी को सर्व इस ना कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास आया है जो कि परेशानी के अंदर है कि जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मेरे खिलाफ कोई ऐसी तस्वीरें या पोस्ट लगाई जा रही है जिससे मैं जो हूँ अपने आप को अनसेफ फील कर रहा हूँ या मेरी सोसाइटी एट लार्ज के अंदर जो रेपुटेशन ऑन स्टेक है, तो अगर आप ये देखते हैं कि उस शख्स की अगर आप मदद करते हैं और ऑब्वियसली अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सेटिस्फेक्शन भी आती है कि आपने ह्यूमैनिटी एट लार्ज को सर्व किया है। बिल्कुल, ये तो खैर हमारा प्रोफेशन ही पूरा ओवरऑल जो वकालत का है वो इसी चीज़ के ऊपर मबनी है ऑब्वियसली। आपकी एक इसी बात से मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है और दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना ये चीज़ हमें साइबर लॉज के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि यही चीज़ है ना जिसको ब्रीच करेंगे तो वो ऑफेंस कमिट होता है। तो ये लाइन किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं और ये जो एक थिन लाइन इसको डिस्टिंग्विश करना जो है ये कैसे आप इस चीज़ के ऊपर एलैबोरेट करें? वाइज अब इस मैं समझता हूँ लॉ की एक जो बुनियादी तौर पर मैंने खसूसियत देखी, हर लॉ की मैंने देखी, आप लॉ को जितना भी रीड कर लें आप हर दफा उसकी एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने एक नहीं आएगी। True. Unless और until आप उसको एक्सपीरियंस्ड, आप जब तक कोर्ट्स में नहीं करते, आप कोर्ट्स में उन केसेस में से नहीं गुजरते, आपके सामने कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सिर्फ एक मैं समझता हूँ लॉ रीडिंग से आप डेवलप नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका जवाब मैंने खुद सोचा है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ये जो भी आपका सवाल है, क्योंकि ये हमारे से सवाल कई सेमिनार्स में, कई लेक्चर्स में, कई टीवी इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये लॉ निगेट नहीं करता। और जब ये लॉ पास हुआ था इसके ऊपर सबसे पहला क्रिटिसिज्म भी ये था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को निगेट करता है। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जब तक आप किसी शख्स की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें। अच्छा अब मैं अगर इसके एक सेक्शन है इस लॉ के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर, वो सेक्शन ये है ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे जिसको वो जानता हो कि वो गलत है, उसमें एक्सेप्शन मौजूद है कि जो वो जानता हो कि वो गलत है और उसकी जो इंटेंशन है वो ये है कि उसकी रेपुटेशन को हार्म करना, ठीक है, उसकी जो इज्जत नफ्स को मजरूह करना, उसकी इंटेंशन भी डिफाइन कर दी गई, लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है कि विच ही नोज टू बी फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज जो लिख रहा है वो ठीक है तो वो ये लिख सकता है, लेकिन अगर उस चीज को उसके पास कोई प्रूफ नहीं है और वो किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पे फिर वो फॉल कर जाएगा सेक्शन 20 के अंदर। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको सेक्शन 20 के साथ जरूर पढ़ता हूँ कि जहाँ पे इसकी एक्सेप्शन मौजूद है। नहीं बिल्कुल ठीक है, और जहाँ पे इट इज बैक्ड बाय एविडेंस, इट इज बैक्ड बाय रियल फैक्ट्स, तो फिर तो ऑब्वियसली फिर बिल्कुल, तो हम फिर अगर मैं इसको सेक्शन 20 के साथ देखूं तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जो बात है उसको हम उसके साथ देखा जाए तो फिर आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर आप कोई ऐसी बात लिख रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है और जिसके पास आपके पास उसका एविडेंस मौजूद है तो वो फिर उसके अंदर फॉल कर जाती है उसकी एक्सेप्शन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर भी जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को हमें समझानी चाहिए जो सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तरह के मसाइल देखे जाते हैं, एक तो ये मसला देखा जाता है कि आपसी जो होते हैं कुछ तनाज़ात होते हैं, बाज़ औक़ात ये देखा गया कि मियाँ बीवी का आपस में जो रिलेशनशिप जो है अगर वो ख़राब हो चुका है या डिवोर्स हो चुकी है तो एक्स हस्बैंड ने एक्स वाइफ के खिलाफ लिख दी है, एक्स वाइफ ने एक्स हस्बैंड के खिलाफ लिख दी है।
अगर दो दोस्त थे उनकी आपस में कोई ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं तो वो जो दोस्त एक उनमें से कोई एक दोस्त है उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई जो है कोई लोग हैं उनकी कोई सियासी वाबस्तगी है, एक जमात का शख्स जो है वो दूसरी जमात के शख्स के फॉलोअर के खिलाफ लिखना शुरू हो गया, लीडर्स के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है। तो इसमें देखा ये गया है कि अगर मेरा जो हमारा मकसद ये है लोगों को थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ अवेयर किया जाए कि आप सोशल मीडिया का ये मकसद नहीं था कि आप किसी के ऊपर भी फिल्थ गिराना शुरू कर दें, आप किसी को बदनाम करें, आप बगैर एविडेंस के चीजों को शेयर करें, आप किसी की वॉल से भी अगर कोई पोस्ट ऐसी शेयर कर रहे हैं जो कि डेफिमेटरी है, जो कि जिसमें नफरत फैलाई जा रही है, आप बुनियादी तौर पे आप उस जुर्म के अंदर हिस्सा हैं। अगर वो खबर गलत है तो आपने उस जुर्म के अंदर अपना एक एज ए रोल प्ले कर दिया। और हमारा जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कानून है क्या वो उनको लायबल ठहराता है उस चीज के लिए? बिल्कुल है, द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी जो भी उस पूरी चेन के अंदर पार्टी होगा या जिसने उसको जिस लेवल पर भी प्रमोट या शेयर या सपोर्ट किया वो ही विल बी बुक्ड अंडर द लॉ। यस, अगर कोई शख्स जो है उसको पब्लिकली जो है वो वायरल कर रहा है और उसको जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है थ्रू व्हाट्सएप कर रहा है या वो लोगों को मैसेंजर के अंदर वो डाटा भेज रहा है, तो वो बेसिकली उसने जुर्म जो है उसने उसको उसी तरह ही किया है जैसे किसी शख्स ने अपनी पोस्ट लगाई होगी, तो बेसिकली उसने भी अपना रोल प्ले किया उस केस। और बहुत सारे हमारे पास जब केसेस आते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि बेसिकली सर ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, ये कहीं से आया, हमने शेयर कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो डाटा है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जगहों पे फिर हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जुर्म है। आई थिंक हम सबको इसमें अपने अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है और वो कभी भी कहीं पे भी उसकी पकड़ हो सकती है। सो इट इज़ नॉट कि आप बस वो एक टाइम था ना कि जब हम फेसबुक ट्विटर बड़ा कैजुअली इस्तेमाल कर लेते थे, कहीं पर भी लाइक कर दिया, कहीं पर भी कॉमेंट कर दिया, लेकिन अब आई थिंक हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के केसेस के अंदर पकड़े जाते हैं तो वो बेसिकली अपने आईडी से नहीं कर रहे होते जुर्म। अच्छा, वो कोशिश ये करते हैं कि वो फेक आईडी से करें। अच्छा, अब बताने की बात ये है कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये बात भी लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके नाम से नहीं आपको पढ़ा जाता, बेसिकली आपको पकड़ा जाता है आईपी एड्रेस से। ओके, हर शख्स जो एक इंटरनेट का यूजर है उसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस अलॉट हो चुका है। ठीक है, जब कभी भी किसी देखें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारी फॉरेन वेबसाइट्स हैं, अगर फेसबुक से रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो वो बेसिकली रिकॉर्ड क्या मांगा जाता है उनसे, रिकॉर्ड उनसे ये मांगा जाता है कि हमें इस स्पेसिफिक जो यूआरएल है इसका, हमें इस वेबसाइट का हमें आईपी एड्रेस दिया जाए कि ये कहाँ से चल रहा है। तो वो आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आईपी एड्रेस जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो भी कंपनी जो नेट प्रोवाइड कर रही होती है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है, उस आईपी एड्रेस से फिर उस कंपनी से फिर जो है वो सारा डाटा लिया जाता है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसलिए आपको अपने वाईफाई भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये ना हो कि आप मुलवस ना हो बट आपका वाईफाई इस्तेमाल हो रहा हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बाज़कात ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका वाईफाई इस्तेमाल हो गया और उनको खुद नहीं पता था कि ये ऑफेंस हमारे वाईफाई कनेक्शन से हो रहा है। दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर वाईफाई टू, के अगर क्योंकि देखें आपका जो आईपी है दैट इज द मेन सोर्स, दैट इज द मेन एविडेंस जो कि आपके अगेंस्ट जो है वो खड़ा होता है आके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि भाई ये आईपी एड्रेस जो है इसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी शख्स की जो है डिवाइस से ये जुर्म कमिट किया गया है। सो पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वैसे भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा जो फेक आईडीज हैं ये इट्सेल्फ भी एक जुर्म है लॉ के अंदर। हाँ, इम्पर्सोनेट करना किसी को, आपकी अपनी आइडेंटिटी छुपा के, सेक्शन 419 ऑफ द पीपीसी जो है वो भी इस तरह के केसेस के अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इस लॉ के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो बात सिंपल ये है कि लोगों को एक अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि एक मैसिव लेवल पे देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोग समझते ये हैं कि सिम कार्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन अनऑथराइज इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड भी जो है वो भी इस लॉ के अंदर जुर्म जो है वो करार दिया गया है। तो लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश जरूर की गई है लोगों को बताने की कि इस तरह चीज़ें मत आप शेयर करें, ऐसी हेट स्पीचेस जो हैं वो आप मत शेयर करें, बट मैं अभी भी समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पर एक मैसिव लेवल की जो जब तक कंपेन नहीं की जाएगी तब तक जो इसका जो एक एंड रिजल्ट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा ज़ैन, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि हमारा जो बाय लॉ कंप्लेंट आने के बाद जो उसका प्रोसीजर होता है फर्दर, कि एक शिकायत फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर हुई है कि जी यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट,
तो वो कंप्लेंट जो है वो आगे किस किस स्टेज से गुजरती है और उसका फेट इवेंचुअली क्या होता है और फिर कैसे उस पर पेनल्टी इम्पोज होती है और होने के बाद फिर उसकी एक्सिक्यूशन किस तरह होती है, क्या वही ऑर्डिनरी प्रिजन्स हैं, क्या वही सेशंस कोर्ट्स हैं, ये थोड़ा सा बताएगा कि बाय लॉ इसका क्या तरीका है। इसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बतानी पड़ेंगी। ठीक है, देखें एक तो ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि जो ज्यूरिसडिक्शन है साइबर क्राइम की वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। ठीक है, लाहौर में एक उनका ऑफिस मौजूद है, गुजरांवाला में उनका ऑफिस मौजूद है, फैसलाबाद में उनका ऑफिस मौजूद है। ओके, अब बात यह है कि साइबर क्राइम की ज्यूरिसडिक्शन जब हम बता देते हैं कि आपने केस पुलिस में लेकर नहीं जाना, आपने FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, अब इनकी स्पेशल कोर्ट्स हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स जो हैं कुछ आपको ज़िला कचहरी के अंदर हैं, लाहौर के अंदर वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं वो इन केसेस को सुनते हैं। ठीक है, और सेशन कोर्ट के अंदर जो एक एडिशनल सेशन जजेस साहब जो होंगे स्पेसिफिक इस कोर्ट के लिए इन केसेस के लिए वो इन केसेस को सुनेंगे। ठीक है, तो इनकी बुनियादी तौर पे यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो इन कोर्ट्स के अंदर चलाए जाते हैं। अब बात आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन के बाद क्या होता है और एप्लीकेशन देने का तरीक़ेकार क्या है। देखिए, अगर तो कोई शख्स जो है वो किसी स्पेसिफिक अकाउंट से वो समझता है कि जी उसको डिफेम किया जा रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो लिखेगा टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द FIA साइबर क्राइम सर्कल के नाम पे, और उसमें वो URL बताएगा किस ID से उनके खिलाफ या किस जो भी चाहे वो कोई पेज है उसका एक URL होता है वो लिखेगा और वो लिख के जाएगा, एक एप्लीकेशन देगा साइबर क्राइम सर्कल के अंदर। फिर वो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए पहले जाती है, उसके बाद इंक्वायरी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद इंक्वायरी में जो है दोनों पार्टीज़ को बाज़ुकात बुला के सुना जाता है, उनको नोटिस किया जाता है। बाज़ुकात अगर कोई ऐसा सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है जिसमें कि ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया जो है उसको FIA जो है वो रिकवर करे, तो उसमें बाज़ुकात दे कंडक्ट रेड। तो वो डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, वो केस टू केस वेरी करता है कि वो जो FIA का जो सिस्टम है और लॉ के अंदर उनके पास प्रोविजन भी मौजूद है कि वो मजिस्ट्रेट से जो है वो ये वो ऑर्डर जो है उनको मिल सकता है अगर वो रिक्वेस्ट करें कोर्ट के अंदर रिटर्न एप्लीकेशन दे के कि हम किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके कुछ सर्च करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं और हम डिजिटल मीडिया जो है वो हमें रिक्वायर है सीज करना चाहते हैं, तो वो ये लॉ में प्रोविजन स्पेशल लॉ के अंदर मौजूद है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगेन कि लोगों को ये बताना होगा जहाँ आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कोई आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया जिसमें कोई आपको कॉल आई, कॉल के बाद आपके अकाउंट से कोई पैसे चले गए, आपको किसी शख्स ने कोई ऐसा कोड भेजा जिस कोड को आपने जब रिटर्न किया आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपके साथ कोई किसी किस्म का कोई जो है वो आपको सोशल मीडिया के हैरेसमेंट का सामना है, कोई आपकी ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है, तो ये तमाम जो इस तरह के ऑफेंसेज हैं जहाँ पे कोई आपको शख्स जो है वो कॉल कर रहा है आपसे, आपकी बैंकिंग तफसीलात ले रहा है और आपके साथ इस तरह का जुर्म कमिट हो रहा है, ये तमाम अगर इसमें से कोई भी ऐसा केस अगर आपके साथ हो तो बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जब हमारा फॉर एग्जांपल एक कंप्लेंट आई है उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो गई है और अब हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है कि जी ये पर्सन इस चीज़ के लिए रिस्पांसिबल है, अब उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी? देखिए, ऑब्वियसली जब कोई भी शख्स जो है वो किसी भी इस तरह के मामले के अंदर इन्वॉल्व निकलता है तो FIR जो है वो उसके खिलाफ रजिस्टर्ड कर दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीजर है वो बिल्कुल वही चलेगा और उसके बाद जो है वही जो हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वही प्रैक्टिस जो है वो आगे चलती है। और मैं समझता हूँ कि अभी कुछ केसेस के अंदर अदालतों की तरफ से जो है इस तरह के कुछ मुलजमों को सजाएं भी दी गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी एट लार्ज को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ अगर आप देखें तो वो उनके खिलाफ एक तरह का आप देख लें कि अगर कोई शख्स किसी की तस्वीरें लगा रहा है तो कहीं ना कहीं पे वो एक ऐसा जुर्म कर रहा है जो कि सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ जुर्म है। तो मैं समझता हूँ इनमें डेटरेंस क्रिएट करने के लिए अदालतों की तरफ से कुछ केसेस के अंदर भी सजाएं भी सुनाई गई हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि ये जो जब इस तरह के केसेस में सजाएं होती हैं जो कंप्लेनेंट्स हैं वो अपने केसेस को जो है वो फॉलो अप करते हैं, जब रिलीफ मिलता है तो फिर ये एक सोसाइटी के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट होता है कि इस तरह का जुर्म जो शख्स करेगा तो फिर उसको इस तरह फिर सजा होगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जो मैं समझता हूँ कि और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने केसेस को फॉलो अप करें। और क्योंकि इस तरह की मैं एक बात इसमें वाइजा ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जो कंप्लेनेंट्स होते हैं वो इस तरह के जो अक्यूज होते हैं स्पेशली जो केसेस सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं उनमें वो कहीं ना कहीं पे आके उनके साथ सुलह कर लेते हैं।
अच्छा, वो तो हमारी हर कहीं ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ये जो सेटलमेंट का एक चलता है। अब मसला ये है कि ये जो केसेस है, इन केसेस के अंदर एक फिनोमिना देखा गया, लोग सुलह तो कर लेते हैं, पर बेसिकली होता क्या है कि दोबारा वो जब शख्स बाहर आता है तो वो ये दोबारा काम शुरू कर देता है। अच्छा। ये एक मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनमें जो कंप्लेनेंट्स थे उन्होंने जब सुलह कर ली आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स, तो देखा ये गया कि जो रवैया था अक्यूज का वो चेंज नहीं हुआ। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई, ये बेसिकली मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको चाहिए ये कि अगर उन्होंने ऐसी जो FIR रजिस्टर्ड करवाई है जिसमें उनका ये एलिगेशन है कि कोई शख्स जो है उनको हरास कर रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि ख्वातीन ही हों, वो मर्द हजरात भी हैं ऐसे जो जिनके केसेस ऐसे मौजूद हैं जिनको ख्वातीन की तरफ से ये जो थी शिकायतें जो थी कि जी हमें इस तरह हरास किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, और क्योंकि ख्वातीन के केसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा इस बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पे आप राजीनामे की तरफ ना जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरह इन केसेस में आप राजीनामा करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप उस मुजरिम को इनवाइट करते हैं कि वो बिहेवियर कंटिन्यू करे। क्योंकि बेसिकली जो मैंने अपने बींग ए लॉयर इसमें देखा, ये जो इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पे वाइजा इनका एक इशू होता है कि दे आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ मेंटल डिजीज। ठीक है, ये कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज से गुजर रहे होते हैं, बदला, ठीक है, बदला लेना है, ब्लैकमेल करना है। और होता क्या है जब वो ये करते हैं तो ऑब्वियसली जब कानून हरकत में आता है तो वो चीज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कानून जो है उनको इस चीज पे पकड़ेगा, और वो ये समझ रहे होते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये हमारा राइट है, किसी को ब्लैकमेल कर देना जी, वो ये समझते हैं जी हमारे पास उस खातून की तस्वीरें थी तो हम जो करना चाहे हम कर सकते थे, ये हमारा राइट था। इसी तरह ख्वातीन के केसेस में देखा गया, वो ये समझती थी कि हमारे पास भी तस्वीरें, हम जो चाहें हम कर सकती हैं। तो यहाँ पे लोगों को बताने की जरूरत ये है कि ये एक जुर्म है, चाहे आपका किसी से कोई ताल्लुक था, नहीं है अब, या आपका जो है वो ताल्लुक रहा है पास्ट के अंदर, आप कहीं भी इस तरह का जब भी जुर्म करेंगे, कोई आपके पास ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी कोई मटेरियल मौजूद है जिसको आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और बाज़ को केसेस में ये भी देखा गया कि लोगों ने मटेरियल जो था उसको एडिटेड फॉर्म में स्प्रेड किया। अच्छा, उसको फोटोशॉप किया बदनाम करने के लिए किसी है। के लिए तो ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स जो है वो इस ना फोटोशॉप करके या उसको एडिट करके मार्केट में या उनको डिफेम करने के लिए स्प्रेड करेगा तो ये भी जुर्म है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ैन, पाकिस्तान में इस वक्त साइबर लॉज का और साइबर में साइबर की फील्ड में प्रैक्टिस करने का क्या स्कोप है, क्योंकि लॉ बहुत लेट आया है अभी 2016 में, उसके बाद जाहिर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, तो यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे आप, इज़ इट अ गुड एरिया टू प्रैक्टिस, क्या क्या इसके अपने चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स की तरफ से क्या इशूज़ आते हैं, लोग ओपन अप नहीं होते, या क्या नए आने वालों के लिए इस फील्ड में प्रैक्टिस करने का क्या स्कोप है? देखिए, एक तो वाइजा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पे इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मैं समझता हूँ कि ख्वातीन को अब आगे आना होगा। अच्छा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसमें जो मेन विक्टिम्स जो हमारे सामने हमने देखा केसेस के अंदर वो ख्वातीन है। तो कहीं ना कहीं पे अब जो इस फील्ड के अंदर मैं समझता हूँ कि जो एक अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि इसमें जो फीमेल लॉयर्स हैं वो आएँ आगे, और क्योंकि जो ये बड़े सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं, तस्वीरों का वायरल हो जाना, एडिटेड तस्वीरों का आ जाना, तो मैं समझता हूँ ये एक तो फीमेल जो हमारी फीमेल लॉयर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा और वो उनको इस फील्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर क्लाइंट्स भी ज्यादा ओपन अप हो सकते हैं ना, वो उनका ट्रस्ट लेवल और शेयर करने की जो एक टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये एक एरिया जो है ये मैं समझता हूँ कि अभी इसमें जो यंगस्टर्स के अलावा जो हमें अपनी जो अदर साइड ऑफ देखनी पड़ेगी कि एक तो फीमेल लॉयर्स को जो है वो आना होगा, और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये फील्ड बेसिकली मेरा ये ऐसा ख्याल है कि क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से जानते हैं। हम उस एज से गुजरे हैं जहाँ पे जब टेक्नोलॉजी की पैदा हुई थी, तो हमें पता है कि ये अकाउंट्स, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये है क्या। सो मैं ये समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड है,
देखें ये कैसा, ये उनके वक्त की चीज है तो उनको समझना इसमें आपके अगर किसी देखें हम आम दिनों की बात कर लेते हैं कि हम आम दिनों में क्या देखते हैं कि जो हमारी फ्रेंड लिस्ट के अंदर दोस्त होते हैं वो आमतौर पर क्या पोस्ट कर रहे होते हैं, जी मेरा एक फेक अकाउंट बन गया है, काइंडली बी अवेयर ऑफ इट। अब बात ये है कि जब आपके सामने ये रोजमर्रा के केसेस आ रहे हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट तो करना है। तो मैं ये समझता हूँ यंगस्टर्स की इसलिए है क्योंकि यंगस्टर्स के लिए इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप मौजूद है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो देखने में आया वो ये है कि ये जो जुर्म है ये कम होने की वजह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे अब ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है कि यंगस्टर्स आगे आएँ। और मैंने जैसे पहले बात की कि फीमेल लॉयर्स का जो है इस फील्ड में आगे आना बड़ा ज़रूरी है, और क्योंकि जैसे आपने बताया, मैंने पहले बताया जो विक्टम्स होती हैं ख्वातीन, उनके उनके केसेस को एक तो वो उनको देखना उनके लिए एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि इस ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे मैंने आपको पहले बात की कि लोग बहुत सारी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो पुलिस स्टेशन में ज़ाया कराते हैं, अगर उनको पता भी नहीं है ना कि अप्रोप्रिएट फोरम कौन सा है, हमें कहाँ जाना है। अगर व्हाट्सएप पे फर्ज करें किसी को कोई कॉल आ गई है या किसी को कोई मैसेजेस आ गए हैं तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे नियर बाय। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी शख्स को राइट अवे जो है आप रेमेडी का बताएं कि असल रेमेडी क्या है, आपने जाना कहाँ पे है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे आपने जो है वो एक तो उनका 50% मसला तो एड्रेस कर लिया, अब बाकी 50% ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी, वो तो उस तरीके से चलेगा, लेकिन किसी को असल डायरेक्शन भी दिखा देना, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने उसका 50% जो मसला ना आपने हल कर दिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, और यंगस्टर्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी फील्ड है जिसमें वो आके आगे जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात ये भी है ना कि इसमें भी सैचुरेशन नहीं है, तो जाहिर है लोगों को ये नहीं पता कि डायरेक्शन दिखानी कैसे है जब हमें खुद ही डायरेक्शन नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच ज़ैन, आप आए हमारे प्रोग्राम में और इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, एक नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर होंगे एक दफ़ा फिर जस्ट वन टीवी पे, प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद वाइज़ा रफ़ीक, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।